हेलो स्टूडेंट्स, सबनेटिंग के पहले वीडियो सेशन में हमने देखा कि सबनेटिंग बेसिकली है क्या और क्यों करनी चाहिए, राइट। और हमने ये भी देखा कि सबनेटिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है फिक्स लेंथ सबनेटिंग और दूसरी होती है वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। सबनेटिंग का मीनिंग यह है कि एक लार्ज नेटवर्क है, उसको हम वेरियस सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं एंड ऑल दो सब नेटवर्क कैन वर्क एज इंडिपेंडेंट नेटवर्क। अब फिक्स लेंथ सबनेटिंग और वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग में डिफरेंस क्या है? फिक्स लेंथ सबनेटिंग और वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग में डिफरेंस क्या है? तो कि फिक्स लेंथ सबनेटिंग में हम जो सब नेटवर्क्स बनाते हैं, सारे सब नेटवर्क में सेम नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे, वेर एज इन वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग हम जितने भी सब नेटवर्क्स बनाते हैं उनमें अलग अलग नंबर ऑफ एड्रेसेस हो सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं दैट फिक्स लेंथ सबनेटिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग, राइट। ओके, सो आए इस लेक्चर में, इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे फिक्स लेंथ सबनेटिंग और उसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया दैट इन फिक्स लेंथ सबनेटिंग ईच ऑफ द सबनेटर्स विल हैव इक्वल नंबर ऑफ होस्ट। तो इस सबनेटिंग में हम करेंगे क्या, आपको जितनी सबनेटवर्क्स बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ बिट्स अलोकेट करेंगे सबनेट आईडी को। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक फ्यू बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी। हम देखो, एक आईपी एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, नेट आईडी और होस्ट आईडी। अब नेट आईडी का जो पोर्शन होता है वो सभी एड्रेस में कॉमन होता है, वी कांट टच इट, राइट, बट ऑफकोर्स वी कैन प्ले विथ होस्ट आईडी। तो हम करेंगे क्या, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स वी वॉन्ट टू क्रिएट, वी विल टेक फ्यू बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी and we will give those bits to the network ID, right? मतलब अगर network ID में 24 bits है और हम host ID के पास से 2 bits लेते हैं तो network ID 24 plus 2 that is 26 bits का बन जाएगा। वो हम आगे example में देखेंगे। और कितने bits लेने चाहिए host ID से, that is equal to log of the number of subnetworks need to be created। मतलब दोस्तों, आपको 4 subnetworks बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, log of 4, of course base is 2, right? तो 4 subnet बनानी है तो log of 4 base 2 is nothing but 2, so you need to take 2 bits और 2 bits से हम 4 different combinations बना पाएंगे। तो दोस्तों, आए इसे एक example से समझते हैं। तो मान लो ये मेरा एक network है 192.168.1.0/24, right? You can consider it as classful or classless, doesn't matter, we will consider it as classless because classless is the सुपरसेट, राइट। सो ये 192.168.1.0/24 वाला एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में मेरे पास एड्रेसेस होंगे 192.168.1.0 से लेकर के 192.168.1.255 तक। लेकिन दोस्तों, ये जो 1.0 वाला एड्रेस है दैट इज नेटवर्क एड्रेस और 1.255 वाला है दैट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस, दीज टू एड्रेसेस कांट बी गिवन एज आईपी एड्रेस टू एनी ऑफ द होस्ट। बाकी के एड्रेस हम यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 1.1 टू 1.254। अब मैं ये 1.1 देता हूं हमारे इस राउटर को और बाकी के एड्रेसेस देता हूं मेरे सिस्टम को, राइट। सो वी आर अज्यूमिंग कि हमारी सारी सिस्टम एक स्विच के साथ कनेक्टेड है और ये स्विच डायरेक्टली राउटर के साथ कनेक्टेड है, राइट। सो दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे ऐसा होता है कि ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है काफी बिग है, 254 जो नंबर ऑफ सिस्टम्स है उसे मैनेज करना भी डिफिकल्ट है। हमारे पास ये हमारी एक इंस्टीट्यूट है, उसमें 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है और मैं उन डिपार्टमेंट में इसे डिवाइड करना चाहता हूँ, राइट। सो व्हाट आई वांट, we want to create 4 subnetworks within this. अब मुझे 4 subnetworks बनानी है, then how many bits will be taken? log of 4 base 2, that is nothing but 2, right? अब यहाँ पर आप देख सकते हो, originally आपका आपके net ID के पास कितने bits थे, 24. so we can't touch those 24 bits. those 24 bits must be same, right? but of course we can touch host ID bits. host ID bits में पहले कितने bits थे? 8. अब हम क्या करेंगे, उन 8 में से मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स ले लेंगे और उसमें से हम अलग अलग सबनेट बनाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया, 8 बिट्स में से 2 बिट सबनेट को दे दिए। अब उस 2 बिट में अलग अलग यहां पर होंगे होस्ट। अब होस्ट के पास कितने बचे, 6 बिट। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक सब नेटवर्क के अंदर हमारे पास 2 raised to 6 एड्रेसेस होंगे, राइट। तो इसे और डिटेल में मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों, ये है मेरी फर्स्ट सब नेटवर्क।
ये जो आगे के 24 बिट्स है मैं उनका बाइनरी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो कॉमन है, दैट इज 192.168.1, वो सब में कॉमन होगी, राइट। ये है मेरी फर्स्ट सब नेटवर्क, आए उसे ध्यान से देखते हैं। जो हमारा लास्ट बाइट है मैंने सिर्फ उसी का बाइनरी पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब ये जो 8 बिट है उसी को मैंने लिखे हुए बाइनरी में। तो पहली सब नेटवर्क में ये जो 2 बिट है होस्ट आईडी के, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जिसको हमने सबनेट आईडी के तौर पे लिखा है आगे, ये 2 बिट कॉमन रहेंगे मेरी पहली सबनेट में और बाकी के 6 बिट में मैं खेल पाऊंगा, राइट। तो बाकी के 6 बिट में मैं पहले ऑल जीरो रखूंगा, फिर मैं 0000001 रखूंगा, देन 10 एंड देन फाइनली ऑल 111111, राइट। आप देख सकते हो इन, मतलब ये जो 6 बिट मेरे होस्ट के पास थे, यूजिंग दो 6 बिट्स आई कैन क्रिएट 2^6 डिफरेंट एड्रेसेस एंड दोस एड्रेसेस आर दिस फ्रॉम 1.0 टू 1.63, राइट। इन ऑल दिस 64 एड्रेसेस यू कैन सी ये 2 बिट जीरो ही है, राइट। तो हमारे एड्रेसेस पहली सब नेटवर्क में कितने मिले हमें, 192.168.1.0 से लेकर के 192.168.1.63। अब दोस्तों अगर इस सब नेटवर्क को, मैंने जैसे बोला एवरी सब नेटवर्क मे वर्क एज इंडिपेंडेंट नेटवर्क, इस सब नेटवर्क को इंडिपेंडेंट नेटवर्क के तौर पे काम करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, उसका नेटवर्क एड्रेस होगा हमारा पहला एड्रेस, दैट इज 192.168.1.0/26। 26 क्यों, पहले 24 बिट्स थे नेट आईडी के और हमने दो होस्ट आईडी के पास से उठाकर दे दिए नेट आईडी को, तो 24 + 2 दैट इज 26, राइट। सो यहां पर आप ये जो 192.168.1.0 से लेकर के 192.168.1.63 के बीच के कोई भी एड्रेस आप ले लो, उसका अगर आप मास्किंग करेंगे स्लैश 26 के साथ, यू विल गेट दिस 192.168.1.0, दैट इज द नेटवर्क एड्रेस, राइट। तो ये जो मेरी सब नेटवर्क बनी उसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.0 और ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 192.168.1.63 एंड द स्लैश इज 26। दोस्तों दूसरी सब नेटवर्क क्या बनेगी, सेकेंड सब नेटवर्क। तो यहां पर पहली सब नेटवर्क में 2 बिट थे 00, दूसरी में क्या होंगे, वो होंगे 01 और बाकी के जो 6 बिट्स है वो ऑल 0 से लेकर के ऑल 1 तक जाएंगे। और अगर आप इसका डेसिमल निकालोगे दैट वुड बी 64, इसका डेसिमल होगा 65, इसका होगा 127। तो दूसरी सब नेटवर्क में एड्रेसेस 64 से लेकर के 127 तक होंगे और नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, दैट इज 192.168.1.64। इस पूरे ब्लॉक का जो पहला एड्रेस होगा दैट वुड बी नेटवर्क एड्रेस और मास क्या होगी, स्लैश 26। मास सब में कॉमन होगी क्योंकि हमने 2 बिट उठाकर नेटवर्क को दे दिए, राइट। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 192.168.1.127। अब दोस्तों आप इस 64 से 127 का कोई भी आईपी एड्रेस ले लो, उसकी मास्क अगर आप 26 के साथ करोगे, आपको आंसर मिलेगा 192.168.1.64, दैट इज नथिंग बट द नेटवर्क एड्रेस ऑफ दिस सबनेट, राइट। सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड फॉर थर्ड सब नेटवर्क, यहां पर हो गया 10 एंड द addresses will range from 128 to 191, network address होगा ये, broadcast address होगा ये। और चौथी सब नेटवर्क के लिए ये दो बिट्स बनेंगे 11, मतलब 00011011, ये चार कॉम्बिनेशन हमने बनाए इसीलिए हमने दो बिट खींचे थे, राइट। और सभी में होस्ट आईडी विल रेंज फ्रॉम ऑल 0 टू ऑल 1 और यहाँ पर इसका डेसिमल में हम देखें तो इट विल रेंज फ्रॉम 192 to 255। तो देखो पूरे एड्रेसेस तो 0 से लेकर के 255 है लेकिन हमने उसको 64 के सेट में डिवाइड किया हुआ है। हाँ अगर हम डिवाइड नहीं करते तो नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेसेस वुड बी 254, लेकिन अगर हमने यहां पर डिवाइड किया है, अब नाउ द नंबर ऑफ यूजेबल एड्रेसेस वुड बी 256 -8। -8 क्यों, क्योंकि इसके दो निकल गए, इसके दो निकल गए, सभी के नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट निकल जाएंगे, इसके दो निकल गए और इसके दो निकल गए। हाँ तो इसमें हमारे सबनेटिंग से द नंबर ऑफ होस्ट दैट वी कैन असाइन आईपी एड्रेस टू द नंबर ऑफ होस्ट दैट वुड बी रिड्यूस्ड, बट ऑफ कोर्स मैनेजेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड। और ये तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का बताया लेकिन मैंने लास्ट वीडियो सेशन में आपको बताया था कि ये अल्टीमेटली आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर देखें तो ये बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। मैं उसका भी एक एग्जाम्पल लेकर के और डिटेल में समझाऊंगा, राइट। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था
इसे हम फिक्स लेंथ सबनेट मास्क बोलते हैं, FLSM। क्यों? क्योंकि फिक्स लेंथ सबनेटिंग से जो आप सबनेटिंग करोगे उस सभी सब नेटवर्क की जो मास्क होगी वो सेम होगी, दैट इज फिक्स्ड, राइट। तो इसकी भी 26 होगी, इसकी भी 26, इसकी भी मास्क 26 और इसकी भी 26। जबकि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में ये ऐसा नहीं होगा, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में ये 26 हो सकती है, ये 28 होगी, ये 30 भी हो सकती है और ये 24 भी हो सकती है, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। लेकिन यहां पर वो फिक्स सभी सब नेटवर्क में वो सेम रहेगी। अब इसी नेटवर्क को मैं ड्रॉ करके समझाता हूं, मतलब हमने विदाउट सबनेटिंग वाला नेटवर्क ड्रॉ करके मैंने आपको बताया यह है ये कि भाई एक ही स्विच होगी, सभी नेटवर्क सभी जो हमारे सिस्टम है वो स्विच के साथ कनेक्टेड होगी और वो स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड होगी। लेकिन अभी हमने इस नेटवर्क को अलग अलग सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया है, तो हमारा फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा कुछ यूं। पहली सब नेटवर्क की जो सिस्टम है वो एक स्विच के साथ कनेक्टेड होंगी और वो स्विच राउटर के एक इंटरफेस के साथ, दूसरी सब नेटवर्क की सिस्टम स्विच के साथ, वो स्विच राउटर के साथ, सिमिलरली तीसरी और चौथी के लिए, राइट। अब पहली सब नेटवर्क में एड्रेस इस कहां से लेकर कहां तक है, 1.0 से लेकर 63। वी कांट यूज 1.0, वी कांट यूज 1.63, बट वी कैन यूज फ्रॉम 1.1 टू 1.62। अब दोस्तों मैंने 1.1 इस राउटर के गेटवे को दे दिया है। दोस्तों यहां पर जितनी भी सिस्टम होंगी उन सभी सिस्टम का गेटवे होगा 192.168.1.1। यहां पर जितनी भी सिस्टम होगी उन सभी का गेटवे होगा ये 192.168.1.65, राइट। इन सभी का गेटवे होगा 192.168.1.129 और इन सभी का गेटवे होगा 192.168.1.193। यहां पर मैंने क्या किया है, जो भी पहला अवेलेबल एड्रेस था मैंने उसको इस राउटर के इंटरफेस को दे दिया, मतलब मैंने उसे गेटवे एड्रेस डिक्लेयर कर दिया और बाकी के एड्रेसेस मैंने सिस्टम्स को असाइन किए। अब आपको दोस्तों क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि सर ये 192.168.1.1, 1.65, 1.129, 1.193 ये तो सारे एक ही नेटवर्क के हो गए और राउटर के हर एक इंटरफेस का जो एड्रेस आईपी एड्रेस होना चाहिए वो अलग अलग नेटवर्क का होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहां पर गलती कर रहे हो, यहां पर ये मैंने जो गेटवे दिया, अब यहां पर मास्क 24 नहीं है। अगर मास्क 24 होती तो मैं भी बोलता कि ये गलत इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन यहां पर मास्क क्या है, 26, राइट। तो अगर हम इस 1.1 का 26 के साथ मास्किंग करें तो नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.0। अगर हम 1.65 का 26 के साथ मैपिंग करें, मास्किंग करें, तो हमें आंसर मिलेगा 1.64। इसका 26 के साथ मैपिंग करें तो हमें आंसर मिलेगा 1.128 और इसका अगर हम मास्किंग करें 26 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा 192.168.1.192। तो दोस्तों हमें अलग अलग नेटवर्क एड्रेसेस मिले, दैट मींस यस दिस इज अ करेक्ट फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, राइट। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये चीज इम्प्लीमेंट करके देखें। थैंक यू वेरी मच।